अभी तो यहीं रह रहे हैं, आपको भी तो पता है ना, इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, उसके बाद अलीगढ़ को हरिगढ़ कर दिया। भैया उनकी सरकार है, उनकी मर्जी चलेगी, हमारी मर्जी थोड़ी नहीं चलेगी। ये बताइए, काम काज कर रही होगी जी? हाँ, काम कर रहे हैं। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि योगी जी सिर्फ एक खास वर्ग को लेकर नाम चेंज करें, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उनके लिए जो चीज़ है, जैसे जिस चीज़ को पहले है, भाई क्या मुगल शासन पहले नहीं था क्या? हैं, जो पहले था, जो नाम अभी जो पहले था वो अभी वो हो रहा है। धर्म विशेष तो कोई टारगेट नहीं किया, मायावती ने इतने नाम बदले तो उस समय किसी ने हल्ला क्यों नहीं किया? क्या योगी जी ने अगर 2-3 शहरों को अगर कर दिया तो उसके लिए हल्ला करेंगे विपक्ष? विपक्ष और एक खास वर्ग जो है वो बोल रहा है कि योगी सरकार से तो उन जगहों को टारगेट कर रही है जहां से मुस्लिम बिलोंग करते हैं, अलीगढ़ उसको हरिगढ़ कर दिया। ऐसा कहीं नहीं, ऐसा कौन से जहां नहीं है जहां कोई मुसलमान नहीं है, बताओ? क्या यहां नहीं है या अंधे कहीं नहीं, उससे कोई वो नहीं है, मुसलमान हर जगह हैं, यहां भी हैं। नाम बदलते तो नाम बदलने से क्या होता है, हमें बदल देते हम जाने। अच्छा, आप पे बदलाव नहीं हुआ? हमारे क्या बदलाव हुआ, भूखे प्यासे घूम रहे हैं, काम नहीं लगता है। नमस्कार, मेरा नाम दिनकर आनंद है, आप NCR मीडिया देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बार फिर से नामांकन करने का काम किया है। इस सूची में एक नया शहर जुड़ गया है, इलाहाबाद मुगलसराय के बाद अलीगढ़ का नाम आ गया है। अलीगढ़ का नाम इन्होंने चेंज करके हरिगढ़ कर दिया है। अब मैं मौजूद हूँ जनता के बीच, लोगों से जानूंगा कि क्या अलीगढ़ को हरिगढ़ कर देने से जनता को कोई परेशानी है, क्या योगी सरकार सिर्फ नामांकन ही करते रहेगी या काम भी करती है, यही जानने के लिए हम जनता के बीच मौजूद हैं। तो चलिए जनता से बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? विंध्याचल मिश्रा। अभी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार फिर से एक बार नामांकन करते हुए अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ कर दिया, जैसे पहले उन्होंने इलाहाबाद का कर दिया था प्रयागराज, क्या कहना है इस पर आपका? प्रयागराज तो हमारा जो शुरू से ही नाम रहा है, इलाहाबाद का जो है हिंदू धर्म में शुरू से ही नाम रहा है, अगर नहाने के लिए कोई भी जाता था तो हम लोग प्रयाग जा रहे हैं, ये शुरू से नाम रहा है, हमारे पूर्वजों का नाम रहा है, ये तो मुगलों ने आकर के जो है उसका नाम इलाहाबाद रखा। लेकिन विपक्ष और असम लोग कह रहे हैं कि योगी जी खास टारगेट कर रहे हैं उस जगहों का नाम को जहाँ पे मतलब मुस्लिम नेम है, हिंदुओं का नहीं कर रहे हैं, उज्जैन है उसको आपने नहीं करिए, वो मध्य प्रदेश में आता अलग बात है, लेकिन जैसे लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं को टारगेट नहीं कर रहे, सिर्फ मुसलमान एरियाओं को टारगेट करके ऐसा किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, मुस्लिम कहते हैं गोरखपुर में नहीं है, एक भी मुस्लिम के खिलाफ अगर बोलता है वो तो समझ में आए। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब उनका जो ये आरोप है वो बेबुनियाद है, ऐसे ही मतलब तर्क कर रहे हैं? बेबुनियाद है, विपक्ष वाले को काम है। उससे पहले उन्होंने मुगल सराय का नाम चेंज करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया था, मुगल सराय को तो आप जानते ही होंगे। हाँ, बनारस के पास में है, मुगल सराय रेलवे स्टेशन है, काफ़ी बड़ा है। हाँ। पहले एशिया का नंबर 1 स्टेशन था। हाँ। अब सेकंड नंबर पे है, अब तो गोरखपुर है। तो क्या लगता है आपको, मतलब ऐसा कोई धर्म विशेष को टारगेट तो योगी जी नहीं कर रहे हैं? धर्म विशेष को कोई टारगेट नहीं किया, मायावती ने इतने नाम बदले तो उस समय किसी ने हल्ला क्यों नहीं किया? क्या योगी जी ने अगर 2-3 शहरों को अगर कर दिया तो उसके लिए हल्ला करेंगे विपक्ष? पीछे भी तो CM हुए, उन्होंने भी तो नाम चेंज किए हैं, उन पर इन्होंने कुछ नहीं बोला, उन पर क्यों नहीं बोला फिर? पहले भी तो बोलना चाहिए था ना। 7 महीने बाद उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होने वाला है, क्या लगता है जनता का रुझान, माहौल किस ओर लग रहा है आपको? क्यों, योगी जी आएंगे, योगी जी बहुत बढ़िया काम किया, योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं और विपक्ष ऐसा कह रहा है कि योगी जी ने काम नहीं किया जमीन स्तर पे, इसलिए वो इस बार नहीं आने वाले, बस कागजी दावे हैं उनके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका मतलब फेवर किस ओर रहेगा? हम तो BJP को ही वोट देंगे भाई। धन्यवाद। क्या नाम है भाई आपका? राजेश कुमार। अभी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अलीगढ़ का नाम चेंज करके हरिगढ़ कर दिया, पता है आपको? हाँ जी पता है। क्या सही किया उन्होंने? बिल्कुल। विपक्ष और एक खास वर्ग जो है वो बोल रहा है कि योगी सरकार सिर्फ उन जगहों को टारगेट कर रही है जहां से मुस्लिम बिलोंग करते हैं, अलीगढ़ उसको हरिगढ़ कर दिया। ऐसा कहीं नहीं, ऐसा कौन से जहां नहीं है जहां कोई मुसलमान नहीं है, बताओ? क्या यहां नहीं है या अंधे कहीं नहीं, उससे कोई वो नहीं है, मुसलमान हर जगह हैं, यहां भी हैं, क्या हर जगह रहते हैं, हमारे यहां गांव में भी रहते हैं, के नाम जो चीज़ है जो नाम है उसे चेंज होना है तो होना है उसमें। विपक्ष कहता है ऐसा कि योगी जी काम नहीं कर रहे, सिर्फ नाम बदल रहे हैं, अपना भी नाम बदल लिया, पहले अजय कुमार बीस था, अब योगी आदित्यनाथ कर लिया उन्होंने। नाम बदलने से क्या है, जो चीज़ वो कांग्रेस से या किसी की सरकार आई है, जो पब्लिक को फ़ायदा होनी चाहिए वो हो रही है, अभी तक मेरे को हो रही है, मैं अपनी जानता हूँ। BJP की सरकार आने से फ़ायदा हो रही है? हाँ, मेरा हो रहा है, मेरा देखो किसान क्रेडिट कार्ड माफ हुआ है, ठीक है, हमारे गाँव में बिजली नहीं थी, मेरे गाँव में बिजली हुई है, मेरे घर पर लेटरिंग नहीं थी, मुझे लेटरिंग मिली, मतलब वो नामांकन करने के साथ काम भी कर रहे हैं। काम है मेरा, हो रहा है बस, मेरा हो रहा है, मतलब सबका ही हो रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं? UP फरुखाबाद। अच्छा,
यूपी में चुनाव भी है, अखिलेश यादव लगातार हमला कर रहे हैं कि योगी जी ने काम नहीं किया। अरे तो अखिलेश जी ने क्या किया है, हमें अखिलेश जी से मतलब वही अखिलेश जी ने भी क्या किया है, हमने जब किया है तो सबका अपने के लिए किया है भाई, हमारी कौन थे उसमें क्या किसके लिए क्या किया। अखिलेश सरकार इससे पहले नहीं आई क्या? चार बार आई थी अखिलेश, आए मुलायम सिंह की आई, सबकी आई है, मायावती भी आप सबकी आई, तो उसमें क्या है जो इस टाइम जो हो रहा है वो इस सबका साथ सबका विकास हो रहा है। अभी महंगाई को भी आप देख रहे हैं, आप भी रोड पे चल रहे हैं, महंगाई भाई जब कोई परेशानी है तो महंगाई होगी होगी, जब कंपनियां बंद पड़ी हैं, लोग कोविड चल रहा है तो इसमें तो हर किसी की दिक्कत है, दिक्कत हमें भी है। जो महंगाई की मार लोगों पे पड़ रही है ये कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से, बिल्कुल इसमें तो हर पूरा मतलब पूरा वर्ल्ड है तो सभी दिक्कत है, हमारे यहाँ ही नहीं है हर जगह है। अच्छा, जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि योगी जी सिर्फ एक खास वर्ग को लेकर नाम चेंज करें, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उनके लिए जो चीज़ है जैसे जिस चीज़ को पहले है भाई, क्या मुगल शासन पहले नहीं था क्या? हैं, जो पहले था, जो नाम अभी जो पहले था वो अभी वो हो रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बताइए भैया, योगी जी जो नाम चेंज कर रहे हैं शहरों का, क्या वो सही कर रहे हैं? बताइए। क्या बताएं, मतलब आप भी तो यहीं रह रहे हैं, आपको भी तो पता है ना, इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, उसके बाद अलीगढ़ को हरिगढ़ कर दिया। भैया उनकी सरकार है, उनकी मर्जी चलेगी, हमारी मर्जी थोड़ी नहीं चलेगी। ये बताइए, काम काज कर रहे हैं योगी जी? हाँ, काम कर रहे हैं। क्या करते हैं आप? ऑटो चलाते हैं। क्या ऑटो, आप 2017 से पहले भी चलाते होंगे, अभी भी चला रहे हैं, कुछ आमदनी में बढ़ोतरी हुई है? आमदनी तो खैर अब कम ही हो गई है, लेकिन मतलब बीजेपी की सरकार आने से आपकी आमदनी कम हो गई? भुखमरी तो बड़ी है। बताइए भाई, आप बताइए। आदमी परेशान है। अच्छा, क्यों परेशान? कहाँ के रहने वाले हैं आप? अब जे भाषण हम तो नहीं दे पाते, क्योंकि उम्र के हिसाब से तो मैं बता, मैं कुछ मुंह से कहूँगा कुछ निकलेगा। कोई बात नहीं है, जो आपको दिल में है बोलिए सरकार के लिए। क्या बात, जो बोल रहे हैं अंकल जी बोलिए। भाई साहब मेरे को नहीं बोला, मतलब ये सरकार से इतना त्रस्त है कि आप डर लग रहा है बोलने में भी? नहीं, डर वाली क्या बात है, लोगों में डर का माहौल है क्या? भाई साहब आप देख रहे हो, आदमी इतना मोहताज हो चुका है। हाँ। कितना मोहताज हो चुका है बताओ। कहाँ के रहने वाले? मैं यूपी से है। यूपी में चुनाव है, यूपी में योगी जी बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा रहे हैं, इतना कुछ दिया है, लगा रहे हैं, वो काम काज वो कोई ऐसा काम खराब नहीं कर रहे हैं, लेकिन योगी जी के ही अकेले करने से थोड़ा होता है, और उनके योगी जी के ऊपर भी तो बैठा है मोदी जी हैं, वो भी भाजपा से ही हैं, वो भी उन्हीं के आदमी हैं, वे तो गुरु चेला है ही हैं आपस में। अच्छा, जो मोदी गुरु चेला मिलके काम काज कर रहे हैं कि लूट रहे हैं? लूट रहे का पब्लिक को मार रहे हैं, ये बना रही सारी कंपनियां बंद पड़ी हैं, काम खत्म है, बताओ रेडी पटरी वाले आदमी खत्म है। ये तो कोरोना महामारी का देन है ना भाई, महामारी का देन है तो उसका भी तो कुछ सोल्यूशन है। जहाँ से कोरोना चला है वहाँ कोरोना साला खत्म है, वहाँ क्यों खत्म है भाई? नहीं खत्म है, आप ही बताओ। हाँ। आप मीडिया से बताओ। अभी दो दिन पहले खबर आया है अलीगढ़ का नाम योगी जी ने हरिगढ़ कर दिया। हमने सुना ही नहीं, न्यूज ही नहीं सुनते हम, इतना फुर्सत ही नहीं है, इतना काम है, रोड पे पड़े रहते हैं हम, इतना 7 महीने बाद चुनाव दिया। अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ कर दिया, इलाहाबाद का प्रयागराज कर दिया। हाँ, तो वो यही काम करते रहेंगे, और नाम ही बदलते हैं, वो काम नहीं करते और। चलिए कोई बात नहीं, आगे और लोगों से बात करते हैं। आपका क्या कहना है अंकल जी? अभी योगी सरकार काम काज अच्छा कर रही है? ऐसा हम तो बर्बादे घूम रहे हैं, राजमिस्त्री काम करते, काम ही नहीं मिल रहा है, कहीं काम नहीं मिल रहा है। योगी जी नाम बहुत बदलते हैं, अभी अलीगढ़ का हरिगढ़ कर दिए हैं। नाम बदलते हैं तो नाम बदलने से क्या होता है, हमें बदलने तो हम जाने। अच्छा, आप में बदलाव नहीं हुआ? हमारे क्या बदलाव हुआ, भूखी प्यासे घूम रहे हैं, काम नहीं लगता है। कहाँ के रहने वाले हैं? महोबा का हूँ, यूपी का। यूपी से हैं आप, यूपी में चुनाव है, किसकी सरकार आने वाली है? अरे चुनाव जो किसकी आएगी, अब हम लोग तो क्या पता, वोट तो करेंगे ना? तकलीफ तो करते नहीं हम लोग, वोट तो देंगे ना हम, तो ये उसको देंगे जो हमें काम देगा। तो क्या लगता है बीजेपी काम दी है पिछले 5 साल? नहीं दिया। तो अखिलेश यादव? अखिलेश यादव ने दिया, अखिलेश यादव की सरकार में काम थी। हाँ, काम करते रहे बराबर धड़ाधड़। अखिलेश यादव कह रहे हैं मायावती की सरकार में काम करते रहे धड़ाधड़, किसी की सरकार में ऐसा हुआ काम नहीं मिल रहा है। भूखी प्यासे की बस, ये बस नाम चेंज करते हैं, काम नहीं करते, घूम प्यासे भटक रहे हैं, ये मान लो भटक रहे हैं घूम प्यासे। अच्छा, मालिक की चोरी से रोड में घूम रहे हैं, या मालिक कहते किराया थे कहाँ से लाओ दो, काम ही नहीं मिल रहा, लेबर चौक जाते खड़े रहते हैं। क्या लगता है इन्होंने जनता के लिए काम किया, शिक्षा को लेकर, रोजगार? कुछ नहीं किया है जनता के लिए, कुछ नहीं किया है। ये सूट बूट की सरकार, मजदूरों को कुछ नहीं किया, बाकी सब ऐसे किया है। चलिए धन्यवाद, दिखावा है आपका। ओके, क्या नाम है आपका? संजय कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अलीगढ़। अलीगढ़,
अभी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अलीगढ़ का नाम चेंज करके हरिगढ़ कर दिया, आपको उससे कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, योगी सरकार क्या काम किया पिछले 5 साल में? काम किए नहीं, कुछ नहीं। लेकिन ऐसा विपक्ष लोग और लोगों का कहना है कि योगी सरकार उन जगहों का नाम चेंज कर रही है जो सिर्फ मुस्लिम नामों से, जैसे इलाहाबाद को प्रयागराज किया था उन्होंने, मुगल सराय को पंडित दीनदयाल कर दिया, अभी अलीगढ़ को कर दिया, होने दो, क्या फर्क पड़ता है? मतलब क्या लगता है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये काम नहीं करते, सिर्फ नाम बदलते हैं। हाँ, ये भी बात सही है। अच्छा, तो काम तो आएगा तो अखिलेश यादव भी। अच्छा, अखिलेश यादव आएंगे? बिल्कुल।